हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसानों, यहाँ पे ना न्यू रजिस्ट्रेशन करने पे काफी सारे किसान भाइयों को काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे उनको लैंड आईडी, यानी काफी सारे किसान भाई मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर, जो लैंड आईडी है उसको हम कैसे एंटर करें, कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से मिलेगी। काफी सारी स्टेटों से मुझे आ रहा है, ये राजस्थान हो गया आपका, दिल्ली हो गया, या फिर आपका गुजरात हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। काफी सारी स्टेटों से जो है वो मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, लैंड आईडी कैसे पता करें, कि प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो किसानों को देखने को मिल रही है। तो उनका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है उनको यहाँ पे 2000 रुपए, यानी जो सरकार भेजती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो वो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, और जो लैंड आईडी है आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे राजू गंगवार ऑफिस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई, यहाँ पे क्या है, लैंड आईडी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे क्या था, पहले जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो फॉर्म थे वो फिल किए जाते थे, तो यहाँ पे ना लैंड आईडी आपसे मांगी जाती थी, ना ही आपसे जो राशन कार्ड है उसकी डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगी जाती थी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी जो किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उसके रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अब लैंड आईडी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। तो लैंड आईडी को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, और आप किसी भी स्टेट से, उस स्टेट का लिंक, यानी सभी स्टेटों का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो भी स्टेट है उस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे जाकर अपना जो विवरण है, यानी जो आपकी डिटेल्स है, जो आपके नाम्स हैं, या फिर आपका जमीन है, या फिर जमीन का घाटा नंबर है, उसको वहाँ पे डालेंगे, तो डालने के बाद में जो लैंड आईडी है वो वहाँ पे निकल कर आ जाएगी, जिसके माध्यम से जो है आपको सबसे पहले आपके लिए कोई भी क्रोम ब्राउजर, जो भी आपके पास में है, या मोज़िला है या फिर क्रोम ब्राउजर है, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं उसी स्टेट का आपको नाम डाल देना है। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्टेटों के नाम डालकर आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो देखिए, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, खसरा या खदोनी आपको डाल देना है राजस्थान। तो देखिए, हमने यहाँ पे राजस्थान डाला, तो ये सर्चिंग करेगा और जो राजस्थान की गवर्नमेंट वेबसाइट होगी उस पे सीधे लेके आपको चला जाएगा। तो देखिए, अभी ये ओपन हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए, इस इंटरफेस पे सीधे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे अपना खाता, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ जो है राजस्थान की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, हम उस पर आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी आ जाना है, और यहाँ पे आ जाने के बाद में आपको अपना खाता है यहाँ पे भी आप ओपन करके जो है अपना जो लैंड आईडी है उसको देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से जो है आपको भी अपने इंटरफेस पे यहाँ पे आ जाना है। अगर आपको नहीं पता है और आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो इस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी स्टेट यानी राजस्थान को सर्च कर लेना, और राजस्थान को सर्च करने के बाद में वहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है, आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगी। तो देखिए, मैं और भी स्टेट हैं उनके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैंने ये भी राजस्थान के बारे में बताया था, और देखिए बहुत सी जो स्टेट है वहाँ पे जो है नकल जमाबंदी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए, मैं अब आपको राजस्थान हटा के अब यहाँ पे गुजरात के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे गुजरात है उसको डाल देता हूँ, और देखिए देखिए किसान भाई, यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है गुड़ लिखा, और उसके बाद में देखिए खसरा खसौनी गुजरात। तो जैसे ही हम इस पे इंटरफेस करेंगे, तो देखिए हमारे सामने जो है गुजरात की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उस पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सारा चेक कर सकते हैं आप, डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके लैंड आईडी है आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मैं आपको एक यहाँ पे तरीका बताना चाहूँगा किसान भाइयों, आपके लिए जो वेबसाइट है जहाँ पे लिंक दिया हुआ है, मैंने आपको इस वेबसाइट का यानी जितनी भी स्टेट है उनका सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पे जाइएगा, जिस भी राज्य से है आप अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद में अपनी डिटेल्स वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपके नाम पर जमीन है तो उसका नंबर क्या है, अगर नंबर नहीं पता है तो नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिर आपका विलेज क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, ये सारा कुछ आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में सारी डिटेल्स कर लेंगे, फिर आपको जो है ओपन कर लेना है। जैसे मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी, यूपी में जैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से आप जो है जिस भी स्टेट से हैं सारी स्टेट को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं सारी स्टेटों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो है काफ़ी बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करिएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
भले ही कोई भी स्टेट से हैं, सारी स्टेटें वहाँ पे दी हुई हैं जो इंडिया के अंदर में आती हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंडर में आती हैं, वो सारी जो है वो आपको स्टेटें मिल जाएंगी, उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो किसान भाई, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।